तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि यहाँ पे गेम्स ऑफ थ्रोन्स का फर्स्ट सीजन जो है हिंदी डब में रिलीज हो चुका है, वो भी नॉर्मल वाली हिंदी डब में, भाई ओरिजिनल वाली हिंदी डब में। तो भाई यही बात करने वाला हूँ कि आखिरकार इस सीजन का, फर्स्ट सीजन की जो हिंदी डब वो कैसी है। भाई जो भी गेम्स ऑफ थ्रोन्स का फैन है और अगर किसी ने गेम्स ऑफ थ्रोन्स नहीं देखी है तो भाई प्लीज जाके आप देखो। अगर आपने ये नहीं देखा तो भाई आप ऐसा कंटेंट मिस कर रहे हो भाई, मतलब इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सीरीज में आपको सारी की चीजें देखने के लिए मिलती हैं, फाइट, एडवेंचर, फैंटेसी, रोमांस, ड्रामा, हिस्ट्री, मतलब हर एक चीज, हर एक जॉनर की इसमें आपको सारी की सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे न्यूडिटी की भी कोई भी हद नहीं है, आपको साथ में वो भी देखने के लिए मिलती है खुल्लम खुल्ला। तो भाई 18 प्लस वाले ही देखना, फर्स्ट बात ये, छोटे बच्चे ना ही देख के दूर रहे तो ही अच्छी बात है। भाई बात करता हूँ हिंदी डब की, तो भाई हिंदी डब आ चुकी है, जस्ट मैंने देख चुका था पहले भी सीजन 1, तो सिर्फ इसका मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा और हिंदी डब के बारे में बताता हूँ। तो भाई थोड़ी सी निराशा के साथ मुझे ये बोलना पड़ रहा है, भाई ज़्यादा उम्मीद मत लगाना हिंदी डब से, क्योंकि मैंने देखी, जैसे कि आप लोगों ने नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज़ की अगर हिंदी डब देखी होगी, जैसे कि भाई मनी हाइस्ट और बड़ी बड़ी स्क्विड गेम जैसी, तो भाई उस टॉप लेवल टाइप की जो हिंदी डब है वो आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। भले ही ओरिजिनल है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि उन लोगों की लिपसिंग जो है कहीं आगे पीछे हो रही है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो जो हिंदी डब में हॉलीवुड कंटेंट देखता है तो भाई उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए तो अच्छी बात है। पर जो भाई अच्छा खासा चीज़ों को गौर करता है, देखता है, तो भाई उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात यही है कि भाई तुम लोग थोड़ा सा गौर करोगे तो यू विल फील लाइक कि भाई आगे पीछे है, तो मैं भी आपको थोड़ी सा अटपटा लग सकता है, पर ज़्यादा भी नहीं, बस कहीं कहीं आपको कुछ कुछ सीन्स, कुछ कुछ करेक्टर की आवाज़ जो है आगे पीछे लगेगी। और बात करूँ कि भाई हर एक करेक्टर के ऊपर जो आवाज़ बिठाई गई, यानी कि उनके ऊपर जो आवाज़ दी गई है, तो भाई वो हर, ये अच्छी बात है कि हर एज ग्रुप के उस हिसाब से यहाँ पे आवाज़ दी गई है, मतलब सबके अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से आवाज़ दी गई है, तो उनके वो आवाज़ सूट करती है, और आवाज़ लिपसिंग के साथ कभी कभी आगे पीछे हो जाती है, तो इतना तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो भाई आप लोग भी जाके देखो और मुझे बताना कि कैसी लगी, और अगर आपको सीरीज़ ना मिले कहाँ पे देखनी है तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैसेज करो, मैं वहाँ पे आपको बता दूँगा।